गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। काफी दिनों बाद एनालिसिस हो रहा है गाइस, क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग एंड मैं आज ही वापस आया हूं। और इससे पहले कि मैं सो जाऊं, लेट्स गेट ऑन टू इट। नो व्हाट्स दिस थिंग और आपके इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप बहुत मैसेजेस आए जहां पर लोगों ने मिस करने की बात की कि उन्होंने रेल लेने से एनालिसिस वीडियो को मिस किया। मैंने भी मिस किया गाइस और फाइनली वे हियर, सो डोंट वरी, नथिंग टू फियर व्हेन ब्रदर इज हियर। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो भी एक ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो गाइज यहाँ पर ये जो चार्ट पैटर्न निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ये एम पैटर्न। अगर इसकी नॉच का ब्रेकडाउन होता है तो ये एक टेक्निकल बैरिश पैटर्न कंसिडर किया जाएगा। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है गाइस, नॉच के नीचे जो नंबर आपका निकल के आता है 40,838 का लेवल। लेकिन आपके साथ में जो एनालिसिस किया था गाइस, सब ठीक चल रहा है? पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है? बोलो भाई, पैसा बना नहीं बना? क्या करना है? ईएमआई लगानी है, ठीक है, पत्थर की लकीर, ठीक है। क्या करना है? 10 का दम। वो लोग जो ट्रस्ट करते हैं, जिन्होंने वीडियो देखी है, सीखा है, उनको पता है कि क्या होना है। उनको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, इलेवेंथ, ये ट्वेल्थ, 10 कैंडल के टॉप के और इसी कैंडल के ऊपर फॉर्मेशन बनाई थी। मार्केट अभी आई है, ये 10 ईएमए को 15 कैंडल तक टच करनी चाहिए। अगर ये क्या है, एक रेगुलर रन है तो ठीक है, अगर एक स्मॉल रैली है तो। अगर ये बिग रैली है तो मैक्सिमम 17 कैंडल्स के अंदर आएंगी। इसीलिए हमारी जो पोजीशन है वो मंथ एंड की है। मार्केट को इसको टच करना ही करना है, करना ही करना है बाउंस करने से पहले। बैंक निफ्टी ने ये काम ऑलरेडी कर लिया है, तो जिन लोगों ने इसके अंदर पैसा क्या देखा रहा, देखा होगा तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12th कैंडल ने टच कर लिया। सो बैंक निफ्टी ने टच कर लिया, इसका मतलब क्या है? क्या ये और नीचे नहीं गिर सकता? बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगी ना तो निफ्टी उतना ऊपर नहीं जाएगी तेजी से जितना बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, क्योंकि इसने अपना जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑलरेडी पूरे कर लिए हैं। इस बात का आपको रखना है ध्यान। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है एलियट वेव एनालिसिस की। हमने ऑलरेडी बनाया है ये जो सिस्टम बना है 1, 2, 3, 4, 5 का, ये इसकी पहली वेव, ये दूसरी वेव, ये हमें तीसरी वेव लग रही है, चौथी और पांचवी, ऐसे करके अपना वेव जाना चाहिए। सो यहाँ से इसका जो रिट्रेसमेंट है वो कितना होगा, यहाँ से एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हाई से मैं अगर ये हाई मान लूँ कि इसने हाई मारा है, ठीक है, सो मार्केट 0.23%, ये इसका पहला लेवल होता है जिसने टच कर लिया। तो अगर मार्केट यहीं से वापस चल के आपका ये वाला हाई तोड़ती है तो नंबर क्या है, 41,700, ये याद रखना। अगर 41,700 इसने यहीं से तोड़ दिया, मतलब ये यहीं से 23% से चले गए, इसका क्या मतलब होता है, वेरी बुलिश, वेरी बुलिश। और 38 पैसा आई तो बुलिश, और अगर ये 50 तक आई तो इट्स वीक। 50 तक बहुत रेयर आता है, 50 तक बहुत रेयर आता है, ठीक है। तो यहां पर मान के चलता हूं हमारा जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो है 40,450। इस लेवल के ऊपर हमें सिर्फ बाइंग के सौदे ढूंढने हैं, यहां पर हमें एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है, क्योंकि मार्केट फिफ्थ वेव के लिए तैयार यहां से हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ वेव ये हो गई, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं एक बार। फोर्थ वेव को मैंने मार्क कर लिया, इसको हटा देता हूं। और ये जो नंबर है गाइस, अगर मार्केट इस कैंडल का लो दोबारा तोड़ती है, 40,800 तोड़ती है, तो 450, ये 300 पॉइंट छोड़ना मत, यहां तक तो डेफिनेटली गिरेगी। तो करंट कैंडल का लो अगर टूटता है, ठीक है, करंट कैंडल का लो क्या है ये, अगर मार्केट किसी वजह से करंट कैंडल का लो तोड़ती है 40,855, तो आपको 40,445 की लेवल डेफिनेटली दिखाएगी। तो 300 पॉइंट का रन जो है बिल्कुल मत छोड़िएगा। बात करें अगर फिफ्थ वेव कितनी बड़ी होगी विद द करंट सिनेरियो, तो यहाँ से सेकंड का लो, थर्ड का हाई और फोर्थ, यहाँ से अगर मैं मानूँ कि नीचे तक आएगा मार्केट, तो मार्केट आपको मिनिमम 42,460 के लेवल दिखाएगी। इसलिए ठीक है अगर ये फोर्थ तक आएगी 38, लेकिन अगर ये
नीचे ना आकर यहीं से वापस निकलती है, ध्यान से देखना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये यहीं से निकलती है तो क्या होगा, तो भाई 0.23 के हिसाब से इसका जो टारगेट है वो और ऊपर चला जाएगा। मतलब इसका लो कंसिडर अगर हम यही करें जहां से ये घूमी है, ये इसका लो हम कंसिडर करें, तो मार्केट का जो अगला लेवल होगा वो 42,848 होगा। सो मार्केट डिसाइड क्या करेगी कि इसका टारगेट ये है या ये है, वो डिसाइड करेगा। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स करके इसका हाई दोबारा से तोड़ती है तो आपके इस लेवल के लिए हम एक पोजिशनल ट्रेड बनाएंगे फॉर श्योर, और अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो यहीं के जहाँ पर जो कैंडल बनेगी उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के ये पूरा वेव हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा खासा पैसा बनेगा इसके अंदर, और मंथ एंड की पोजीशन को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पैसा कितना बनेगा पॉइंट से वो भी देख लेते हैं। करीब करीब 2000 पॉइंट की रैली है, 2000 पॉइंट की रैली इन बैंक निफ्टी, ये बिल्कुल मत छोड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस हैज गिवन अ क्लैरिटी ऑफ एनी काइंड। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी का जो सिनेरियो है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ये इसकी वेव काउंट भी है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी बन रही है, और उसके बाद पांचवी बनेगी। तो चौथी कितनी गिर सकती है, मैंने आपको सेम सिनेरियो बताया, फिर रिट्रेसमेंट लेंगे और ये इसके हाई से हमने मैच किया, तो इसका जो मैक्सिमम गिर सकता है, गिरना चाहिए, देखो मैक्सिमम तो 50% आता है रेयर केस में, बट 38 अगर हम अज्यूम करते हैं, इसका जो पहला लेवल है वो है ये 17,890। अगर यहाँ से गई तो वेरी बुलिश, और अगर 38 तक आई तो 17,700 यहाँ से मार्केट जाएगी। हम हमेशा 38% लेके चलते हैं, ऐसा देखा गया कि 38 तक आया जाता है। सो मार्केट इन दो लेवल्स को टच करने की कोशिश करेगा, ये हमारे लिए दो रिवर्सल लेवल रहेंगे निफ्टी के लिए, 17,888 का और 17,705 का। यहाँ से फिफ्थ वेव के लिए एनालिसिस करने की कोशिश करें कितना ऊपर जा सकता है, तो सेकेंड का लो, थर्ड का हाई, और अगर हम यहीं से देखेंगे तो ये मार्केट जा सकती है आपकी 18,650 तक, और अगर ये नॉर्मल 38% तक आता है तो इसका टारगेट रहेगा 61% का, जो कि है 18,472। तो मेनली हम इसी नंबर को अपना टारगेट बना के चलते हैं और इसी नंबर को हम फोकस में रखेंगे, ठीक है। ये एनालिसिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग के तरुण के साथ में शेयर कर लूँगा, आप वहाँ से जो है इनको ले सकते हैं। ये लेवल्स रहेंगे एलियट वेव का एनालिसिस, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे और उसका स्टेटस जानने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। चलो इसको करते हैं डिलीट, देखते हैं कल कैसे रेड कर सकते हैं। आई होप आपकी एक्सपायरी बिल्कुल ठीक रही होगी, आज अच्छी रही होगी। बहुत सारे मैसेज मुझे देखने के लिए मिले हमारी जो एक्सपायरी के हैक से, जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब मेंबर्स के लिए हमने डाले हैं सब, उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया आज, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। 30 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाए तो गाइज यहाँ पर आपको एक ना रेंज दिखाई देगी, ये रेंज मार्क करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर मेरा फेवरेट पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है आपको ऑलरेडी, और वो फटेगा तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक ये लेवल है ऊपर का और एक लेवल है ये नीचे का, ये एक लेवल बना हुआ है गाइज, यहाँ पर इस लेवल के बीच में मार्केट एक रेंज में फंस चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये एक शोल्डर, मार्केट ने ये पूरा हेड बनाया और ये शोल्डर का साइज दोबारा से बन रहा है, और ये फटने के बाद अच्छा खासा रेंज आपको देखने को मिलेगा, अच्छी रैली देखने के लिए मिल सकती है। और यहाँ पर जो पॉइंट सिस्टम है ये देखो कितने पॉइंट बता रहा है, 4000 पॉइंट की रैली लगभग दे सकती है। तो यहाँ पर 2000 रैली की तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, फिफ्थ वेव 2000 पॉइंट की रैली दे सकता है, तो ये शोल्डर पूरा कंसोलिडेशन है। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे भी देखते हैं तो ये एक बेसिकली सिमेट्रिकल चैनल है, एक जिसके अंदर ये मार्केट फंसी हुई है अभी। और अगर इसकी रेंज क्या है, ये मार्केट एक रेंज को तोड़ने के बाद निकलती है तो आपको 700 से 800 पॉइंट की रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, आइदर साइड, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दोनों तरफ आपको ये फटने को दिख सकता है। तो उसका इंतजार रहेगा रेंज के ऊपर, ये काफ़ी अच्छी रेंज बना रखी है। 15 मिनट के चार्ट पे एक बार लेवल देखने की कोशिश करते हैं, कहाँ पर हम बाय और कहाँ पर सेल कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट देखेंगे तो अभी ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई कुछ नहीं है, एचडीएफसी निफ्टी भी ऑलमोस्ट प्लस माइनस ही चल रही है। ये लेवल बहुत ही खतरनाक है, इसने हेड एंड शोल्डर का पूरा टारगेट देके ऊपर की तरफ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कहाँ करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर ही बाय करना है। तो अगर मैं यहाँ पर लेवल बनाने की कोशिश करूँ तो ये एक लेवल है, इस लेवल के ऊपर कल अगर मार्केट निकलती है 41,438 के ऊपर 5 मिनट की कोई 2 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आप बाय कर सकते हो अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के लिए, जो कि रहेगा
41,600 के आसपास का 200 पॉइंट की रैली, और अगर ये लेवल टूटता है तो इस जोन के अंदर ही मैं बाय करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपका किसी भी रीजन की वजह से 41,770 टूटता है, क्लोजिंग आती है, तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। ये भी हाई और लॉन्ग टर्म हाई ATH की तरफ, मार्केट अच्छी खासी धुन में जा सकता है। मोटे मेजर लेवल है, ताकि आपको याद रहे, ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सेल की पोजीशन के लिए आप कहाँ हाथ मार सकते हो, ये इसका कलर चेंज कर देते हैं रेड। सेल की पोजीशन आपको कहाँ पर पोजीशन बनानी है, 41,232 के नीचे आपका जो इमीजिएट लेवल होगा, ये मान के चलो दोबारा से 40,881, ये 300-400 पॉइंट की रैली आपको दोबारा से देखने को मिल सकती है। और इसके नीचे मैं भी सेल करने के लिए होगा, इसके बाद होगा तो दिखी जाएगी, क्योंकि इसके नीचे बहुत ज़्यादा मेजर सपोर्ट लेवल हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी की बात करें और देखो, तो ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगी मार्केट, यहाँ से इस लेवल के ऊपर ही बाई की पोजीशन बनाना है। तो सेफ बायर जो है वो 18,000, ये नंबर भाई बहुत इंपॉर्टेंट, 18,191 ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। किसी को भी बाई करना है तो 18,200 के ऊपर की पोजीशन को ही कंसीडर करना फिलहाल के लिए। बिना रिट्रेसमेंट के अगर मार्केट 18,200 के ऊपर जाता तो मैं बाई करने में इंटरेस्टेड एक्चुअल में नहीं होऊंगा, ठीक है, और वो उस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप 18,106 के ऊपर, 18,190, 18,106 के ऊपर 18,190 के लेवल को कंसीडर कर सकते हो। सेल की पोजीशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करना है लेवल ऑफ 17,962। ये अगर टूटता है आपको, अभी हमारी 852 के ऊपर हुआ है, तो आप एक बात याद रखना, 17,080 का लेवल है एक्चुअल में यार, ये लेवल सेफ, ये सेफ लेवल है, मान के चल सकते हो इसके नीचे। अदरवाइज ये लेवल है सेल का 18,000 के नीचे, सो 17,985 ये एक नंबर है, इसके पीछे सेल की पोजीशन बना सकते हो। टेक्निकली ऑप्शन चेन के हिसाब से आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा टिल गैप, और दैट नंबर कैन कम टू 17,895। उसके बाद में आपका ये गैप जो है वो भरा जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो इसको हम लेके चलेंगे 18,850, और उसके नीचे आपको ये लेवल दिखाई देगा, ये 17,722 एंड 17,653। ओवरऑल अगर देखेंगे तो लेवल्स के बाद में मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट में देखेंगे तो एक रिट्रेसमेंट ड्यू है। बाई साइड पे मैं हाफ पोजीशन बना रहा हूँ और बनाना चाहूँगा अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो, और सेल साइड पे मैं कंप्लीट पोजीशन बनाना चाहूँगा सेटअप के हिसाब से। लेकिन जिद में नहीं रखेंगे कि मार्केट डूब नीचे ही जाएगी और ऐसा सोचेंगे, बट हमारा मेन टारगेट जो है वो 10 EMA का है। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी कर लिया है, निफ्टी के अंदर अगर सेल साइड की पोजीशन बनेगी तो मैं निफ्टी के अंदर विल बी मोर इंटरेस्टेड। मेरी ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म पोजीशन मैंने आपको मंथ एंड की ऑलरेडी बना रखी है VIP मेंबर्स के साथ में, उनको भी पता है, और वो अभी भी ग्रीन के अंदर ही है। और अगर आपने आज बुक नहीं किया होगा गैप डाउन के बाद में तो बहुत अच्छा होगा। चलो अब देख लेते हैं कि मार्केट में डेटा जो आया है वो क्या कहता है, मार्केट का डेटा 4th of November, समझो तो ये बात राज भी है, ना समझो तो ये राज भी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेटे को देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर बुलिश 19,000 बाई करके गए, 70,000 नेक्स्ट फ्यूचर, 28,000 कॉल शॉर्ट की है, और पुट तो यहाँ पर बेरिश पोजीशन बना के गए हैं, बट ना वेरी इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है कि हम कुछ बड़ा सोच सके।
यहाँ पर देखें तो 9000 स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, बेरिश पोजीशन स्टॉक फ्यूचर बाय इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं 11000, इंडेक्स की कॉल राइट की है 48 एंड ये किया, तो इन्होंने हेजिंग पोजीशन बना रखी है। दिस इज ऑल्सो मिक्स पोजीशन, नेट बेसिस पर चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बहुत छोटा अमाउंट है, 77000 कॉल बाई किए हैं, 34000 पुट बाई किए हैं, तो ये भी मिक्स पोजीशन बना के गए हैं। नथिंग क्लियर अबाउट डीआईएस, पोजीशन थोड़ी सी बड़ी है क्वांटिटी, बट इतना वॉल्यूम इतना खास नहीं है। तो नेट पोजीशन देखते हैं कि क्या बनाए, उसे क्लैरिटी मिलने की कोशिश करेंगे। 44000 से 51000 इंडेक्स फ्यूचर बाई किए हैं, तो रिटेलर्स गॉन लिटिल बुलिश। 69 to 70 नॉट बिग चेंज, 38 to 26 नॉट बिग चेंज, 20000 to 7000 नॉट बिग चेंज। तो इंडेक्स फ्यूचर से कुछ निकल के नहीं आ रहा है, दिस इज साइडवेज मार्केट, क्लियरली अ साइडवेज मार्केट। इंडेक्स कॉल को देखें तो 1,22,000 से 1,50,000 इन्होंने राइटिंग करी है कॉल्स की, सो रिटेलर्स गॉन बैरिश। लेकिन ओके 2,31,000 कॉल्स बाई कर रखी थी, 1,82,000 गए हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने क्वांटिटी घटा दी है, दिस इज ऑल्सो बैरिश, नॉट मेजर बट हाँ डेफिनेटली बैरिश। इन्होंने 1,09,000 कॉल राइट कर रखी थी, इन्होंने 32 कर दिए घटा के, तो ये थोड़े से बुलिश हुए हैं। तो दिस इज ऑल्सो मिक्स, नथिंग क्लियर फॉर दैट, दिस इज ऑल्सो साइडवेज। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें पुट साइड की, 2,06,000 राइट कर रखे थे, बहुत बुलिश थे, इन्होंने घटा के थोड़ा कम कर दिया है, 1,80,000 नॉट बिग चेंज बट स्टिल वेरी बुलिश। 29,000 इन्होंने पुट नेकेड बाई किया हुआ था डी आई एस ने, 33 इन्होंने बढ़ा दिए, तो ये थोड़े से बेरिश हो गए हैं बट नॉट मेजर। 2,81,000 से इन्होंने थोड़ी सी घटा दी है, तो डेटा उतना चेंज नहीं हुआ है। 1,05,000 से इन्होंने भी थोड़ा सा घटा दिया, तो भाई ओवरऑल डेटा अगर आप देख के चलते हो तो दिस डेटा इज कम्प्लीटली साइडवेज। आई विल बी सरप्राइज अगर मार्केट कोई बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ी गैप डाउन दे दे, ऐसा होना नहीं चाहिए। द मार्केट इज साइडवेज बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, वेरी मच साइडवेज बेस्ड ऑन दिस, एंड यू विल हैव अ साइडवेज ओपनिंग एज पर दिस। बट कल आपका पैसा बनेगा निफ्टी के अंदर मोर देन बैंक निफ्टी, गाइस निफ्टी के अंदर ज़्यादा बनेगा इन कंपेरिजन ऑफ बैंक निफ्टी, इसीलिए मैं आपको निफ्टी का एक अलग लेवल भी दे रहा हूँ चार्ट लेवल्स का, जो कि क्योंकि वहाँ पर बन रहा है गोल्डन सेटअप, मैं आपको गोल्डन सेटअप के लेवल भी दे रहा हूँ। चार्ट पर चलते हैं, ये है निफ्टी के बेसिक लेवल्स। कल अगर मुझे ट्रेड करना हुआ तो मैं डेफिनेटली सिर्फ निफ्टी के अंदर ट्रेड करूंगा, बिकॉज निफ्टी आपको ज़्यादा पैसा देगा, ट्रेंडी मोड में रहेगा इन कंपेरिजन ऑफ बैंक निफ्टी, तो ये याद रखिएगा। मार्केट अगर आपको 18,120 के ऊपर निकलती है, एक लेवल होगा 18,180 का, दूसरा फाइनल टारगेट होगा 18,263 का। जिन्होंने गोल्डन सेटअप का कोर्स किया है उनको एक्सटेंडेड टारगेट पता है, वहाँ से निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये टारगेट आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर आपको 1838 के नीचे मार्केट जाते हुए दिखाई देती है, कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लेके 17,973 के नीचे 17,888 और 17,816, ठीक है। मैं माफ़ करना, इसको बनाऊंगा रेड कलर की, गाइस ये एंट्री पॉइंट नहीं है, सेल की एंट्री इसके नीचे है, बाई की एंट्री इसके नीचे है, ये न्यूट्रल लाइन है। अगर आपने सेल साइड पे एंट्री ली है तो ये आपका स्टॉप लॉस है, और अगर आपकी बाई साइड पे एंट्री हुई है तो ये आपका स्टॉप लॉस है, ये मिडिल लाइन है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा 18,038 और 40 का लेवल, ठीक है, बाई साइड का भी सेल साइड का भी, तो जिस साइड भी आप ट्रेड ले रहे हो उसके हिसाब से बना सकते हो। तो ये गोल्डन सेटअप को यूज़ करना, आई होप यू लाइक द एनालिसिस गाइस, जुड़े रहेगा, बहुत जल्दी रेगुलर होने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस वीडियो। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर, ठीक है, और साथ के साथ गाइस हमारा वर्कशॉप शुरू होने वाला है 20th of November को, वो सारे लोग जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, धमाका होने वाला है, तैयार रहेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस फटाफट ज्वाइन कीजिए, 20th November का वर्कशॉप, ट्रेडिंग मास्टरी, अनलीश द ट्रेडर विद इन, कुछ ऐसे धमाकेदार स्ट्रैटेजी जो आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बना सकते हैं, उतना कॉन्फिडेंस मैं आपको दे सकता हूं बहुत ज़्यादा। और जो नई चीज़ें हैं जो आज तक नहीं हुई हैं किसी भी वर्कशॉप में, वो इस वर्कशॉप के अंदर आपको होती हुई दिखाई देंगे, आग लगा देंगे गारंटी, ठीक है। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।